डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग चलते हैं क्लास 12th के लिए सब्जेक्ट फिजिक्स को पढ़ाना शुरू करते हैं। तो जो क्लास 12th है उसमें हम लोग जो फिजिक्स में पढ़ रहे थे, अवतल दर्पण के कारण जो बना हुआ प्रतिबिंब है उसका आरेख खींच रहे थे। और आपको एक टेबल याद करने के लिए दिए थे कि अगर अवतल दर्पण में कोई वस्तु अगर अनंत पे रहेगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, उसका प्रकृति कैसा बनेगा। अगर अनंत और सी के बीच रहेगा तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अगर सी पर रहेगा तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अगर वस्तु फोकस पर रहेगा तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ऐसा करके 7 केस हम लोग पढ़े हुए थे जहाँ पे प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण में। ठीक है, चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि अवतल दर्पण में जो बना हुआ प्रतिबिंब है उसका आरेख आखिर कैसे खींचेंगे, उसका आरेख जो है कैसे खींचा जाता है उसके आरेख के बारे में। ठीक है, तो चलिए आरेख के बारे में हम चीज़ों को समझते हैं। तो दो आरेख हम लोग देख लिए थे, एक अनंत पे रहता है तब और एक कहाँ रहता है, तो अनंत और सी के बीच रहता है तब। चलिए तीसरा आरेख खींचते हैं। तीसरा में था कि जब वस्तु सी पर रहे, जब वस्तु कहाँ रहे, सी पर हो। तो जब वस्तु सी पर हो तो सबसे पहले अवतल दर्पण का मतलब समझते हैं कि अवतल दर्पण में क्या होता है। तो अवतल दर्पण में बाहरी भाग कलई किया हुआ रहता है, तो ये बाहरी भाग कलई किया हुआ है। ठीक है, अब इसमें यह एक ध्रुव है और यहाँ पे वक्रता केंद्र है, ये सब तो बनाना ही बनाना रहता है। तो एक अवतल दर्पण है और एक सी है और यहाँ पे होता है एफ, इसके बीच में एफ होता है फोकस। तो अगर वस्तु को इस बार हम लोग कहाँ रख रहे हैं, ए और बी मेरा एक वस्तु है। ठीक है, ए और बी क्या है, वस्तु है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो सी पर एक वस्तु रखा गया है ए बी। ठीक है, तो अगर इससे कोई रे निकलेगा तो हमेशा किससे होकर गुजरेगा, फोकस से होकर। ठीक है, किससे होकर गुजरता है, फोकस होकर। ठीक है, तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो सी पर हम लोग एक वस्तु को रखे हैं जिसका ए बी नाम है। अब इसको अगर समानांतर किरणें गई तो फोकस होकर गुजरी। फिर उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि अगर इसको सेंटर से यानी कि ध्रुव से अगर गुजारा जाए तो ये कहाँ पे कट करता है, तो जब इसको ध्रुव से गुजारा जाता है तब ये सेंटर से कुछ इस तरीके से परावर्तित होता है, यानी कि जब ध्रुव पर अगर इसको फोकसित किया जाता है तो ये हम लोगों को यहाँ पे कट आउट करता है, यहाँ पे बिल्कुल इसके जस्ट सामने बनता है। ठीक है, यानी कि ए डैश बी डैश, ये हम लोगों का वस्तु हो गया। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो सी पर हम लोगों का वस्तु था, तो सी पे ही हम लोगों को प्रतिबिंब भी बन रहा है जिसका नाम ए डैश और बी डैश है। ठीक है, तो सी पर ए डैश है और बी डैश है, मतलब कि ये हो गया प्रतिबिंब और ये हो गया वस्तु। तो ध्यान रहे, हम लोगों का जो सी पे अगर वस्तु रहता है तो सी पर ही प्रतिबिंब रहता बनता है, कैसा बनता है, तो वास्तविक और उल्टा। ठीक है, तो ये हम लोगों का फिगर बनता है। तो सबसे पहले इस प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो सी पर प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब प्रतिबिंब बनेगा, कैसा बनेगा, तो सी पर प्रतिबिंब बनेगा। दूसरा कि वस्तु से समान आकार का बनेगा, जब इसको अच्छे से कट कीजिएगा, ऐसा जगह पे कट कीजिएगा कि ये बिल्कुल उसके नीचे मिले और बराबर साइज का मिले, तो वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, और वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और क्या बनता है, उल्टा बनता है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, वास्तविक और उल्टा। ठीक है, तो ये हम लोगों को तीसरा सिचुएशन का फिगर हो गया। चलिए अगला फिगर देखते हैं, अगला आरेख चौथा, कि जब वस्तु सी तथा एफ के बीच हो, जब वस्तु सी मतलब वक्रता केंद्र तथा एफ के बीच हो, एफ मतलब फोकस के बीच, जब वस्तु सी तथा अगर एफ के बीच होगा
तब हम लोग कैसे इसका डायग्राम बनाएंगे। देख लीजिए, यहाँ पे एक अवतल दर्पण है और इसके बीच में एक थोड़ा सा सीधा लाइन आप लोग इंच की सहायता से खींचिएगा। ये हो गया ध्रुव, ये हो गया सेंटर और ये हो गया एफ। इस बार कहाँ वस्तु को रखा गया है, तो सी तथा एफ के बीच एक वस्तु को रखा गया है जिसका नाम ए बी है। ठीक है, सी तथा एफ के बीच। ठीक है, अब इससे जैसे ही अगर हम लोग यहाँ पे समानांतर किरणें गुजरती है तो फोकस होकर गुजरती है। ठीक है, और यहाँ पे अगर इससे गुजरती है ऐसे तो सेंटर से होकर गुजरती है। जैसे मान लिया कि इसको अगर यहाँ से रे अगर डाला जाए तो ये किससे होकर गुजरती है, सेंटर से होकर। सीधा लाइन खींचिएगा, ये गया टकराया और सेंटर से होकर गुजरा तो यहाँ पे कटा, तो ये हम लोगों को प्रतिबिंब बना जिसका नाम है ए डैश बी डैश। देखिए मेरा टेढ़ा लाइन बन रहा है, आप इंच की सहायता से सीधा लाइन खींचिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको दिख पा रहा होगा कि ये हम लोगों को जब इस ए बी वाले पॉइंट से अगर एक गुजारा जाता है किरणें तो सी से होते हुए कट करता है, तो ये हम लोगों का प्रतिबिंब बनेगा। यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि प्रतिबिंब कहाँ बना, तो इधर अनंत है, इधर क्या है अनंत और सी के बीच, अनंत और सी के बीच प्रतिबिंब बनेगा। और वस्तु देखिए, वस्तु ए बी था लेकिन प्रतिबिंब यहाँ क्या बन रहा है, ए डैस बी डैस, यानी कि वस्तु से बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा। और दूसरा बात कि वस्तु से जब बड़ा बन गया तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये वास्तविक और उल्टा बनेगा। क्यों, क्योंकि दर्पण से बाईं ओर है, तो दर्पण से जब बाईं ओर बनता है तो उसको वास्तविक कहते हैं, वास्तविक और उल्टा। ठीक है, तो वास्तविक और उल्टा बनता है। कब बनता है वास्तविक और उल्टा, जब दर्पण के बाईं ओर होता है। ठीक है, तो ये हम लोगों का चौथा का डायग्राम हो गया। चलिए पांचवा का डायग्राम देखते हैं। पांचवा में है, पांचवा में हम लोगों का है कि अगर फोकस पे रहेगा तब कहाँ बनेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे पांचवा में, जब वस्तु फोकस यानी कि एफ पर हो, जब वस्तु फोकस पर हो यानी कि एक यहाँ पे अवतल दर्पण है और ये हम लोगों का ध्रुव हो गया, ये हो गया का हम लोगों का वक्रता केंद्र, ये हो गया फोकस। अब इसी पर क्या है हम लोगों का वस्तु है, इसी पर क्या है वस्तु है जिसका नाम ए बी है। जैसे इससे समानांतर किरणें अगर निकली तो फोकस होकर गुजरा। देख पा रहे होंगे कि जब समानांतर किरणें अगर गई तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे ए बी एक वस्तु है और जब भी मुख्य अक्ष के समानांतर किरणों को गुजारा जाता है तो फोकस से गुजरता है, तो फोकस से गुजार दिए और फिर इस ए बी वस्तु से एक किरण निकलेगा यहाँ पे और ये ऐसा किरण यहाँ से गुजरेगा कि एकदम सेंटर से होकर गुजरे, तो पता चलेगा कि ये कभी भी एक दूसरे को नहीं कटता है, ये बिल्कुल यहाँ से टकराया तो बिल्कुल इसके इसके समानांतर किरणें आती है जो कि कभी नहीं लड़ता है आगे, इसीलिए इसको बोलते हैं अनंत। यानी कि इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो अनंत पर, तो इसका अनंत पर प्रतिबिंब बनेगा और वस्तु से काफ़ी बड़ा बनेगा। ठीक है, वस्तु से काफ़ी बड़ा, क्योंकि अनंत है ना, तो वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा। ठीक है, और कैसा बनेगा, तो ये दर्पण से किधर है, बाईं ओर है, ये किरणें बाईं ओर आ रही है, तो इसीलिए बोला जा रहा है इसको कि वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा। ठीक है, तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो यहाँ पे वास्तविक और उल्टा बनेगा। कब, जब वस्तु फोकस पे होगा तो अनंत पे बन रहा है, देख लीजिए किरणें कहाँ जा रही है, अनंत पे, और वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा और कैसा बनेगा, तो वास्तविक और उल्टा, क्योंकि ये बाईं तरफ है। चलिए अगला डायग्राम देखते हैं, छठा डायग्राम। छठा डायग्राम कुछ इस तरीके से है, जब वस्तु
फोकस तथा ध्रुव के बीच रहेगा, यानी कि एफ तथा पी के बीच, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा जाए, जब वस्तु एफ तथा पी के बीच हो, पी का मतलब ध्रुव, एफ का मतलब फोकस के बीच हो, तो जब वस्तु कहाँ कहाँ हो, तो एफ तथा पी के बीच हो, तब कैसे बनेगा। तो जैसे मान लिया कि एक अवतल दर्पण है, एक अवतल दर्पण है, इसके बीच में एक मुख्य अक्ष है जिस पर सेंटर होता है, ये फोकस होता है, ये ध्रुव होता है। तो वस्तु कहाँ है, तो एफ और पी के बीच। तो यहाँ मान लिया जाए वस्तु है जिसका नाम ए बी है, एफ और पी के बीच, ध्यान दीजिएगा वस्तु कहाँ है, तो फोकस और ध्रुव के बीच। तो इससे जब समानांतर किरणें गुजारी जाएंगी तो फोकस होकर गुजरेगा, ठीक है, फोकस होकर गुजर गया, और जब इससे इसको सेंटर से पास किया जाए, यानी कि ऐसे, तो यहाँ पे गुजरेगा ऐसे, तो आप देख पा रहे होंगे कि आगे कहीं नहीं लड़ेगा ये। तो जब आगे इधर नहीं लड़ेगा तो ऐसा प्रतीत होता है कि जब इसको पीछे की ओर मिलाया जाए, इसको पीछे की ओर मिलाया जाए, तो यहाँ पे हम लोगों को प्रतिबिंब बनेगा। इसी को बोलते हैं ए डैश और बी डैश, ठीक है। इसको आगे क्यों नहीं कट सकता है, क्योंकि ये दोनों देख रहे हैं फैल, किरणें जो है आपस में फैल रही है, तो कभी नहीं मिलेगा। इसलिए दोस्तों जब इसको पीछे की ओर मिलाया जाता है, दर्पण की पीछे की ओर, तो पता चलता है कि यहाँ इस पॉइंट पे मिलेगा, तब इसी को हम लोग कहते हैं प्रतिबिंब। तो याद रखिएगा, इस केस में जो दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है, यानी कि वस्तु जब एफ तथा पी के बीच रखा जाएगा, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है। और दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है तो कैसा बनता है, तो वस्तु से बड़ा, देखिए ए बी इतना है और ए डैश बी डैश इतना आया, तो हम बोलेंगे वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। और वास्तविक होगा कि आभासी होगा, तो ये दर्पण के दाई तरफ है, तो जब दर्पण के दाई तरफ रहता है तो आभासी होता है, आभासी तथा सीधा। और ध्यान दीजिएगा, आभासी को हम लोग काल्पनिक भी कह सकते हैं। तो इस केस में ऐसा डायग्राम होगा, और आप इन सभी डायग्राम को, फिगर जो है, इस डायग्राम को आप पेंसिल की सहायता से बनाइएगा, बिल्कुल क्लियर बनाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आभासी तथा सीधा बनेगा। आभासी कब बोल रहे हैं, क्योंकि दर्पण के दाईं तरफ हम लोगों का ए डैश बी डैश प्रतिबिंब बन रहा है, इसलिए इसको हम लोग कहेंगे कि आभासी तथा सीधा बनेगा। चलिए एक लास्ट है जिसका देख लेते हैं, सातवां, सेवन, क्या है सेवन, तो जब वस्तु जो है ध्रुव पर होगा, जब वस्तु कहाँ होगा, ध्रुव पर, जब वस्तु ध्रुव यानी कि पी पर हो। देख लीजिए, अगर मान लिया कि एक अवतल दर्पण है, ठीक है, अवतल दर्पण है, यहाँ पे ध्रुव, यहाँ फोकस, यहाँ सी, ठीक है, कुल मिलाकर देखा जाए तो ये अवतल दर्पण है, इसका ध्रुव ये है, ये फोकस है, और ये वक्रता केंद्र है। इस बार वस्तु को कहाँ रखा गया है, पी पर ही रखा गया है दोस्तों, ये पी पर ही वस्तु को रखा गया है। तो आप समझिए कि आप सेंटर पे हैं, आप दर्पण पे ही खड़ा रहेंगे तो कभी प्रतिबिंब बनेगा, और बनेगा भी तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, तो ध्रुव पर ही बनेगा, जहाँ पे आदमी रहेगा वही ना प्रतिबिंब बनेगा। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो चूंकि ये ध्रुव पर है, ये क्या है, ध्रुव पे है, यानी कि पी पर एक ए और बी है, तो यहीं पे बनता है, यानी कि यहाँ से कोई किरणें नहीं निकलेगी। अगर मान लिया कि ये दर्पण है और दर्पण के आप आगे न खड़ा होकर पीछे खड़ा होइए, तो कभी भी आपको प्रतिबिंब दिखेगा नहीं, दिखेगा। तो उसी तरीके से ये ध्रुव पर है, तो याद रखिएगा कि जब ध्रुव पर वस्तु को रखा जाता है तो जो प्रतिबिंब बनता है वो ध्रुव पर बनेगा, ठीक है। और याद रखिएगा कि इसमें कोई किरणें वगैरह नहीं निकलेगी, हमेशा समान साइज का बनेगा, यानी कि बराबर बनेगा,
बराबर साइज का बनेगा, यहाँ से कोई किरणें इधर उधर नहीं निकलेगी क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल बीचों बीच है, ठीक है, तो वस्तु के बराबर होगा। और दूसरी बात कि आभासी और सीधा होगा, आभासी होगा, आभासी क्यों, क्योंकि जब सेंटर पे रहता है तो माना जाता है कि वो दर्पण के दाईं ओर है। जैसे कि अगर मान लिया कि एक 15 जो है 10 के नज़दीक होगा कि 20 के नज़दीक होगा, तो इसको जो है 15 जो है 20 के नज़दीक माना जाता है, यानी कि इसको इस्टीमेट कीजिएगा आप तो 15 को किसके करीब माना जाता है, 20 के करीब, हालांकि वो तो बीचों बीच है। उसी तरीके से जो बीचों बीच रहता है उसका हमेशा दाई ओर का वैल्यू हो जाता है, इसलिए ये समझिए कि दाई ओर है, यानी कि आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनेगा। तो दोस्तों आज हम लोग देख पाए कि अगर अवतल दर्पण में जो बनने वाला प्रतिबिंब है उसका सातों का आरेख कैसे खींचेगा खींचा जाएगा, तो इन सातों का आप आरेख जो है अच्छे तरीके से कॉपी में ड्रॉ कर लीजिएगा, क्योंकि पूछता है क्वेश्चन कि आप जो है जब अवतल दर्पण में वस्तु को फोकस पे रखेंगे तो इसको आरेख द्वारा दर्शाइए कि इसका प्रतिबिंब का स्थान चाहे प्रतिबिंब का प्रकृति क्या होगा, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही हम करते हैं, अगले क्लास में आगे की चीज़ों को पढ़ेंगे, जैसे चिन्ह परिपाटी के बारे में कि कहाँ पे प्लस होता है कहाँ पे माइनस होता है, फिर उत्तल दर्पण में देखेंगे कि ये तो अवतल दर्पण में था, फिर उत्तल दर्पण में देखेंगे कि आखिर प्रतिबिंब कहाँ बनता है, जब वस्तु को कहाँ कहाँ रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।